stick together. You're not in Kansas anymore. You're on Pandora, ladies and gentlemen. You've got to obey the rules. Pandora rules. Get away from my godson. स्काईवॉक साउंड ने इस्तेमाल किया कौन सा अनोखा साउंडट्रैक? कब हुई फिल्म की एडिटिंग? दोस्तों, जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसके लिए ऑडियंस काफी एक्साइटेड है। मूवी का पहला पार्ट साल 2009 में रिलीज हुआ था, जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया और इसी पार्ट से सिनेमा में 3D रिवोल्यूशन का भी आगाज हुआ। अब इतने सालों बाद फैंस दोबारा 3D के इस न्यू टर्नओवर को देखने के लिए खूब क्यूरियस तो हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अवतार के इतने साल बाद भी कई लोगों को मूवी से जुड़े काफी सारे रहस्यों के बारे में नहीं मालूम। तो आइए आज की इस वीडियो में बात करें अवतार पार्ट 1 के कुछ अनोखे किस्सों, रहस्यों और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज अवतार के बारे में। वेल, पैंडोरा में कई सारे क्रीचर्स इन्वॉल्व थे जिनकी आवाजें भी काफी अलग अलग थी, नॉर्मल ह्यूमन या एनिमल साउंड से काफी डिफरेंट। स्काईवॉक साउंड नाम की एक कंपनी को मूवी में इन सभी क्रीचर्स की इस यूनिक आवाज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था और साथ ही पैंडोरा की अलग सी नॉइजेस का जिम्मा भी उन्हें ही दिया गया था। अब दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस कंपनी ने मूवी में क्रीचर्स की साउंड को रियलिस्टिक लगवाने के लिए सचमुच के जानवरों की नॉइस का इस्तेमाल किया। जी हाँ, आप भी चौंक गए ना। पैंडोरा में हमें क्रीचर्स की जितनी भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो सभी रियल लाइफ क्रीचर्स की आवाजें हैं जो कि जंगलों से जाकर कलेक्ट की गई हैं। इसके साथ ही दोस्तों, पैंडोरा के क्रीचर्स जो यूनिक लैंग्वेज में बात करते हैं, वो भी काफी सारी रियल लाइफ लैंग्वेजेस से ही इंस्पायर्ड है। इस लैंग्वेज को पर्शियन, चाइनीज और इंडोनेशियन लैंग्वेजेस से इंस्पायर किया गया है। इस भाषा में एट प्रेजेंट 14,000 वर्ड्स हैं, जबकि इंग्लिश में करीब 40,000 वर्ड्स इंक्लूडेड हैं। टीम इस लैंग्वेज पर काम करती रहती है और जब इस लैंग्वेज के प्रोफेसर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो इस भाषा को एक चैलेंज बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा चैलेंज नहीं जो कि लोगों को लिए टैकल करना इम्पॉसिबल हो। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि जहां मेजर फिल्म्स की शूटिंग खत्म होने के बाद उसकी एडिटिंग का काम शुरू हो जाता है, वहीं अवतार मूवी को शूट करते समय ही एडिट किया गया था ताकि फिल्म का प्री प्रोडक्शन प्रोसेस आसान हो सके। वेल दोस्तों, ये थे अवतार मूवी से जुड़े कुछ बेहद अनोखे फैक्ट्स। आपको ये सभी फैक्ट्स कैसे लगे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे ओवरऑल इन फैक्ट्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भले ही पैंडोरा एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसकी रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी इंस्पिरेशन काफ़ी हद तक रियल वर्ल्ड से ही ड्रॉ की गई है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।